तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के पास अभी लंबी दूरी की एक अच्छी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की कमी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए इंडियन नेवी के लिए DRDO एक नई देश में बनाई गई सबसोनिक मिसाइल डेवलप करने वाला है, जो कि 2023 तक डेवलप हो जाएगी। डिफेंस एक्सपो 2020 में एक टॉप मिलिट्री सोर्स ने बताया कि ये नया वेपन एक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी और इसे एक ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डेवलप किए गए यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर मॉड्यूल से लॉन्च किया जाएगा। ये यूनिक यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर मॉड्यूल ब्रह्मोस एरोस्पेस ने डिज़ाइन, डिवेल्प और पेटेंट किया है। इस मॉड्यूल को अभी ऑपरेट किया जा रहा है। ब्रह्मोस के इन मॉड्यूल्स को अभी इंडियन नेवी की 30 शिप में ऑपरेट किया जा रहा है और ये नई मिसाइल को भी इसी लॉन्चर के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। अगले 2 महीनों में इस प्रोजेक्ट के लिए मनी सैंक्शन कर दी जाएगी और इस मिसाइल का पहला ट्रायल 2023 तक हो जाएगा। ये मिसाइल प्रोजेक्ट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को दिया गया है। ADE एक बेंगलुरु बेस्ड DRDO की लैब है, जिसे कि अनमैन्ड सिस्टम्स के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ADE ने इंडिया की पहली होम ग्रोन सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय को भी डेवलप किया था। इस मिसाइल की तकरीबन 20 डेवलपमेंटल फ्लाइट्स प्लान की गई हैं। इस मिसाइल को पूरी तरह इंडिजनस सिस्टम्स के साथ डेवलप किया जाएगा। इसमें छोटे से छोटे सेंसर से लेकर एक्सेलरोमीटर से लेकर इसका सभी कंपोनेंट्स इंडिजनस होंगे, यानी कि देश में ही बनाए और डेवलप किए जाएंगे। इसके टर्मिनल होमिंग फीचर को एक देसी रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर मदद करेगा। निर्भय मिसाइल के जैसे ही LRLACM भी लो एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ सकेगी और इसमें सी स्कीमिंग कैपेबिलिटीज भी होंगी। डिफेंस एक्सपो 2020 में निर्भय मिसाइल की सी स्कीमिंग कैपेबिलिटीज को दिखा रही एक वीडियो चलाई जा रही थी। ये वीडियो निर्भय क्रूज मिसाइल के आखिरी लॉन्च की थी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह भी इस मिसाइल के लिए बहुत उत्साहित हैं और चाहते हैं कि ये मिसाइल उन्हें जल्दी से जल्दी डिलीवर कर दी जाए। जब DRDO इस मिसाइल के ट्रायल फेज को कंप्लीट कर लेगा तो इंडियन नेवी इसके लिए डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर ऑर्डर प्लेस करेगी। ये ऑर्डर तकरीबन 5000 करोड़ का होगा, जिसमें 200 LACMs इंडियन नेवी के लिए खरीदी जाएंगी। इसके साथ ही निर्भय क्रूज मिसाइल को भी एक नया अवतार मिल गया है। निर्भय प्रोजेक्ट, जिसके 6 डेवलपमेंटल ट्रायल्स मार्च 2013 से लेकर अप्रैल 2019 तक किए गए थे, उसे अब टेक्निकली बंद कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को अब नया अवतार मिल गया है एक नई आउटलुक के साथ, जिसे कि अब इंडिजनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल के द्वारा जाना जाता है। इंडिजनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ITCM के लिए इंडियन पावर प्लांट एक शॉर्ट टर्बोफैन इंजन है, जिसे कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु ने डेवलप किया है। इंडिजनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का पहला लॉन्च एक शॉर्ट टर्बोफैन इंजन के साथ किया जाएगा, जिसमें एक इंडिजनस RF सीकर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इस मिसाइल का ये ट्रायल इस साल अप्रैल में होगा। ITCM के एयर वेरिएंट को भी ADA में डेवलप किया जा रहा है और इसके साथ ही इसके एक सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है। DRDO अपने मिसाइल प्रोग्राम्स में पूरी तरह सेल्फ रिलायंट होना चाहती हैं और इसीलिए LRLACM के डेवलपमेंट फेस को पूरा करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और इसके साथ ही ITCM मिसाइल के ऊपर भी काम जोरों से चल रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।